कोटा में नेट की तैयारी कर रही कोचिंग छात्रा के गर्भवती होने का मामला सामने आया है। छात्रा ने जेके लोन अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया है। फिलहाल दोनों जच्चा और बच्चा स्वस्थ हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन की सूचना पर बाल कल्याण समिति की टीम भी अस्पताल पहुंची और चिकित्सकों से मामले की जानकारी ली। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष खनिज फातिमा ने बताया कि पहले परिजन बच्चे को रखना चाहते थे, अब उन्होंने बच्चे को बाल कल्याण समिति को सौंपने का फैसला लिया है। फिलहाल इस मामले में परिजनों की ओर से पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी गई है। जानकारी अनुसार नाबालिग की उम्र 16 साल है। छात्रा एमपी की रहने वाली है और 2 महीने पहले ही नीट की तैयारी करने के लिए कोटा आई थी। फिलहाल छात्रा कुनाड़ी के इलाके में रह रही थी। छात्रा का पेट दर्द की शिकायत पर परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। जांच में उसके 8.5 माह के गर्भ के होने की जानकारी सामने आई थी। जेके लोन अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। नाबालिग को लेबर रूम में शिफ्ट किया गया जहां उसने बेबी को जन्म दिया। इस मामले में नाबालिग के परिजन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, कल बाल कल्याण समिति की नियमित बैठक में मुझे सूचना मिली थी कि इस तरह का एक मामला है, डिलीवरी हुई है जेके लोन हॉस्पिटल में। डॉक्टर सुमन मीणा ने मुझे सूचित किया। उस पर डॉक्टर अजीत शर्मा, दिनेश शर्मा और हमारे माननीय सदस्य अरुण भार्गव जी, शिशु गृह की केयर टेकर हिना और वंदना सैनी जो कि काउंसलर है, हम सभी वहाँ पर तुरंत पहुँचे थे और हमने वहाँ जाकर डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर खुशबू मीणा से बात की, बच्ची के हालात जाने और उसकी माता से भी हमारी वार्तालाप हुई है, लेकिन वो कुछ भी स्पष्ट नहीं बता रही हैं या बताना नहीं चाह रही हैं। इस मामले में हमारे अरुण भार्गव जी ने यहाँ जो संबंधित सीओ हैं डिप्टी साहब शंकर लाल जी को भी सूचित किया। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया है, क्योंकि मामला कोटा राजस्थान का नहीं है, इसलिए जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ पर ये पुलिस कार्रवाई वहाँ पर ही की जाएगी। बाकी रही बच्चे के संरक्षण की बात, तो बाल कल्याण समिति की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बालिका को और उसके होने वाले शिशु को संरक्षण दे, तो इसके लिए हम कल से ही प्रयासरत हैं और बच्चे को संरक्षण में लेने का प्रयास करेंगे। वो शायद कोचिंग कर रही थी, अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाई है ये बात।